Thank you.
झाड़ियों के कांटों में लग गए, कपड़े फट गए,
इतना प्यारा है। महाप्रभु जी संन्यास के बाद में स्त्रियों से बहुत दूर रहते थे। एक दिन गदाधर जी से मिलने के लिए गए छोटा गोपीनाथ में, और उधर एक कोई देवदासी बड़े सुंदर आवाज के साथ में इस कीर्तन को कर रही थी। सुनते महाप्रभु जी भावाविष्ट हो गए, धैर्य नहीं धारण कर सके। जहां से शब्द आ रहा था उसे आलिंगन करने के लिए दौड़े। उनके सेवक गोविंद जी, देखा जी कि ये तो हमसे अधिक दौड़ रहे हैं। अरे प्रभु, वो गाने वाली कोई लड़की है, देवदासी है, स्पर्श करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत जोर जोर से कहने के बाद में फिर खड़े हो गए और बोले, गोविंद आज यदि मैं उसे आलिंगन कर लेता, पकड़ लेता, तो मैं समुद्र में कूद करके जान दे। आज तुमने हमारी प्राणों की ऐसा ये गीत गोविंद है, कृष्ण को मोहन कर लेता। इसलिए भक्त लोग प्रतिदिन जगन्नाथ जी के मंदिर में सामूहिक रूप से इस कीर्तन को और ये नियम हो गया है, रात में जगन्नाथ जी से मंदिर से बाहर कोई कीर्तन नहीं कर। व्हाट आई टोल्ड यू कैन टेल। मखेश्वरी, प्रियेश्वरी, सोनेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रणाम
समान सास समेश्वरी परमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद कामेश्वरी प्रजेश्वरी प्रजापते कहा गया है। यदि कोई इसको श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष में अष्टमी दशमी या दोनों पक्ष के एकादशी और त्रयोदशी में जो शुद्ध बुद्धि वाला भक्त श्रद्धा पूर्वक इस सूत्र का पाठ कर गया इसका तो वह जो भावना करेगा वही होगा, अन्यथा निष्काम पाठ करने से राधिका जी की कृपा पराप्ति प्राप्त होगी। इसे से राधा कृष्ण जीवन का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। उसकी विभिन्न प्रकार से है, गोवर्धन के समीप राधा कुंड के जल में, यहाँ तक के जल में या नाभि तक के जल में या यहाँ तक खड़े होकर के सौ बार पाठ करें तो कुछ दिनों के पाठ करने पर मनोवांछित पूर्ण होगा और राधा जी का दर्शन। इतना न हो सके तो प्रतिदिन भी इसका हम लोग पाठ कर सकते हैं। नमामि गुणगान होने से ही राधिका जी प्रसन्न होती है, इसलिए इस सूत्र को हम लोगों ने पाठ किया। कुंकुमा गर्भहारी गौरवा पीकनचिता जगन्द कीर्तिनिन्दि सौरभा बल्लवेश सोन सर्ववाञ्छिता साधिका मह्यमात्म पाद पद्मदर्शनस्तुताधिका पौनबिन्द कान्तिनिन्दि चित्तपट्ट साधिका कृष्णमर्तबिन्द केलि फुल्ल पुष्पवाटिका कृष्णनीच सङ्गमर्त पद्म बन्धुराधिका मह्यमर्म पाद पद्म दर्शनस्तुराधिका शोकमार्ग शीर्ष पल्लवाली कीर्तिनी ग्रह चन्द चन्दनोत्पलेन्दु शेज शीत विग्रह स्वाभिमर्श वल्लवेश काम तापवाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दर्शनस्तुराधिका
श्याम सिंधु रस में कौन डूबेगा? श्याम सिंधु किसको कहते हैं? राधिका जी के भाव को, विशेष करके उन्नत और उज्ज्वल पारकीय भाव को, उसी के आचार्य हैं। उनके भाव में कौन डूब सकता है? अनारक्त राधा पदम पहुंचे हैं। जब तक कि राधा जी के चरणों का आश्रय न करें, जब तक उनके चरणों का कृष्ण के चरणों के आश्रय से नहीं होगा, राधा जी के चरणों का संपूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण करें। असंभाषित भाव गंभीरा, यदि कोई व्यक्ति अनासिक्त बिंदा कभी तत्पर, और जो वृंदावन में जो राधा जी के चरणों के धूलि सर्वत्र है, ऐसा कोई पुण्य नहीं, ऐसी कोई गहमर गिरा नहीं, जहाँ ऐसा वृक्ष नहीं जहाँ राधा और कृष्ण की लीलाएं नहीं हो, उस वृंदावन का यदि कोई आश्रय यदि नहीं करे और असंभाष्य भाव गंभीर राधिका जी के भावों को समझने वाला,
जी का विशेष कृपा पात्र रसिक कर्तव्य रूप गोस्वामी जैसा कोई व्यक्ति है, उनके आनुगत्य में आने वाले लोगों का रसिक वैष्णव का शब्द यदि नहीं करे, उसके मुख से हरी कथा नहीं सुने, तो राधिका जी के वो जो भाव है अदनक भाव इत्यादि तक उसमें कोई चूक नहीं सकता। इसलिए राधा जी के चरणों का इसलिए भक्ति वृंदो ठाकुर कहते हैं राधिका उज्ज्वल रसे राचा, उज्ज्वल रस का मन उन्नत उज्ज्वल पारकीय भाव का, ये आचार्य है और केसरी राधा पद बरम जतने से पाई कृष्ण पद, राधा पद बिनु कृष्ण नहीं मिले, राधा जी के कृपा के बिना राधा जी का आश्रय कर दिया तो अपने आप कृष्ण उनके पीछे पीछे ढूंढेंगे, इसलिए राधा जी को चरणों को सब समय विशेष आग्रह के साथ में ग्रहण की। कहा तो ऐसा गया है राधा जी की कृपा से मैं कृष्ण को एकदम नहीं समझती, कृष्ण चरणी न करो विचारती राधा पदम जो यत्र सावसेन तस्सा बिना कृपा तो विशेष देखता। राधा जी की कृपा से यदि होगी कहेंगे कृष्ण के यहाँ से कुंज से निकल जाओ, राधा जी का आदेश है और कृष्ण मानने के लिए बाध्य होंगे। राधिका चरण रेणु भूषण कर गया था भाई राधिका चरण भाई कृष्ण का नाम हरे कृष्ण, राधिका जी प्रसन्न होती है और राधिका जी का नाम करने से कृष्ण चंद्र प्रसन्न होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैं संक्षेप में ये सारी बात बतलाया संक्षेप और सब जगत की बातों की पूर्ति की आवश्यकता जय कुंज जय पावन रथ
अति बरसाने पति पधारी कीरत में